कानपुर में शिक्षक संघ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें तीन सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। जैसे मुख्य मांग पुरानी पेंशन को बहाल हो रहा, साथ ही शिक्षकों को पदनाम देना और नियुक्तियों के आधार पर वरिष्ठता मिले, ये कुछ दो तीन मांगें रखी गई हैं। संयुक्त मोर्चा ने शिक्षक संघ को नैतिक आधार पर अपना समर्थन भी दिया है। प्रदेश और केंद्र सरकार से पुरानी पेंशन को लागू करने की मांग की गई है। ये भी बताया है कि यदि शीघ्र ही मांग को पूरा नहीं किया जाता है तो आने वाले चुनाव में कर्मचारी भी सरकार की मांगें पूरी नहीं करेंगे। आज मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के क्रांति आह्वान पर प्रदेश के समस्त जिलों में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन सभी जिलों में आयोजित हुआ है। उसी के तारतम्य में भी हमारे बुरहानपुर जिले में भी आज धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया है। उसमें मुख्य रूप से तीन सूत्रीय मांगे जो हमारे प्रदेश नेतृत्व ने दी है, उसमें OPS पुरानी पेंशन लागू हो। आज मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है उसमें बुरहानपुर जिला संयुक्त मोर्चा पूरा नैतिक समर्थन देता है और आज संपूर्ण देश में और प्रदेश में पुरानी पेंशन को लेकर हर संघ आंदोलन कर रहा है, सत्याग्रह कर रहा है।